मोटापा कैसे कम करें? हमने देखा है कि आम तौर पर लोगों को बहुत मोटापा हो जाता है, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, बहुत सारा परहेज करना पड़ेगा, योगा आसन करना पड़ेगा, जिम जाना पड़ेगा, बाप रे बाप, बहुत मुश्किल है। आप लोग जिम भी जाते होंगे, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो जिम जाते हैं। यदि आज मेरा ये वीडियो देखकर वह भी अपना लें इन सारे टिप्स को, तो देखिए और कितना ज़्यादा फायदा होगा। तो मैं बताऊंगा आज कि मोटापा कैसे कम करें। देखिए, एक काला नमक, शहद और नींबू यदि आप गर्म पानी में सुबह डालकर सेवन करते हैं तो आपका इससे पेट बहुत ज़्यादा ठीक रहेगा। पेट ठीक रहेगा तो गैस नहीं बनेगी, गैस नहीं बनेगी तो इसका मतलब ये है कि पेट में एसिड नहीं बन रहा, एसिड नहीं बन रहा तो मतलब चर्बी कम होने के संकेत हैं। और यदि आप मोटे नहीं हैं तो मोटे नहीं होंगे, और यदि आप मोटे हैं तो अब पतले होने की ओर अब आप अग्रसर हो रहे हैं। एक तो आप सुबह ये लें, और जितनी बार पानी पिए, गर्म पानी पिए, तब नहीं कर सकते तो मत कभी मत करें, लेकिन जो मोटे हैं वो जरूर करें, जो फैटिंग है जिनका वजन ज़्यादा है वो जरूर करें, लेकिन जो जिनका वजन ठीक है वो सुबह नींबू, काला नमक, नमक थोड़ा ज़्यादा डाल लीजिए, और शहद हल्के से गर्म पानी में डाल के इसको ले लें तो उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। अब सभी जिनका वजन ज़्यादा होता है उनको कहते हैं भाई कम खाया करो, कम खाया करो, लेकिन कम खाया नहीं जाता। जब खाना पे खाना खाने के लिए बैठते हैं तो जितनी चपाती रोज़ खाते हैं उतनी ही खाने को दिल करता है। तो मैं कहूँगा कि आप अपनी चपाती की बाइट छोटी कर दीजिए। यदि आप एक चपाती की 8 बाइट करते हैं तो 16 कर दीजिए। जब आप 16 बाइट करेंगे तो आप यदि 4 चपाती खाते थे तो 2 खाने के बाद आपका पेट भरने लगेगा, और फिर लगातार चपाती मत खाइए, बीच में छोड़ दीजिए, सब्जी खानी शुरू कर दीजिए, थोड़ा सा अपना विचार करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि खाना खाते वक्त हमारा पेट भर जाता है, नज़र नहीं भरती, तमन्ना नहीं पूरी तरह से, मार्जिन ऑफ यूटिलिटी जो होती है वो पूरी नहीं भरती। तो हमें चाहिए हम बाइट छोटी लें। छोटी बाइट लेने से क्या होगा कि हमारा दिल भी भरेगा, नज़र भी भरेगी और पेट भी अपने आप भरेगा। रात को सोने से पहले भी गर्म पानी लीजिए, और खाना खाने के बाद इमीडिएटली कभी भी पानी मत लीजिए, क्योंकि जो अंदर अग्नि पैदा हुई, परमात्मा ने सिस्टम सारे बना रखे हैं, जब हम खाना खाते हैं तो एंजाइम्स जो हैं हमारी जुबान से निकलते हैं, जो हम रस निकलता है ना, मुंह में पानी आ रहा है कह रहे हैं, वह एंजाइम्स होते हैं, हमारी बॉडी से एंजाइम्स निकलते हैं जो हमारे भोजन को हजम करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि खाना अच्छी तरह से चबाइए, स्वाद लेकर खाइए, ताकि एंजाइम्स निकले और खाना आपको हजम हो जाए। खाना खाने के 1 घंटा 45 मिनट बाद यदि आप पानी पीते हैं तो आपका वजन किसी भी सूरत में नहीं बढ़ सकता। जो लोग जिम जाते हैं, अब जिम गए, जिम किया और साथ में ठंडा ठंडा पानी पी लिया या कोल्ड ड्रिंक पी ली, उनको उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना उनको मिलेगा जो जिम जाने के बाद इमीडिएटली गर्म गर्म पानी पीते हैं। कारण ये कि जब आपकी बॉडी में चर्बी जो आपने एक्सरसाइज करके बॉडी में हीट पैदा करके उसको आपने मेल्ट किया है, वो गर्म पानी के साथ बाहर निकल जाती है, ठंडा पानी पीने से फिर वो वहीं रुक जाती है। तो ये कुछ एक टिप्स होते हैं। जैसे आप जिम जाते हैं तो जिम जाने वाले को चाहिए कि सुबह उठकर 3 ग्लास पानी पिए। सुबह उठकर पानी इसलिए पिया जाता है क्योंकि हमारी जो एनर्जी है वो एक्टिवेट होती है, जो पूरी रात बॉडी में एनर्जी इकट्ठी हुई वो एक लेसले रूप में होती है, और जब हम पानी पीते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाती है और हमें चुस्ती सी महसूस होती है। वैसे भी फूड पाइप को धोने का काम, पेट को साफ करने का काम पानी करता है। यदि आपने सुबह पानी पी लिया, सारा दिन यदि कम भी पानी पियेंगे तो भी चलेगा, चेहरे पर रौनक,
चेहरे पर पील मुहासे दूर करना, ये सब पानी से ही संभव है। मैं समझता हूँ कि अपनी बाइट को छोटा कर दीजिए, थोड़ी सी चीनी कम कर दीजिए, चीनी खानी बंद कर दीजिए, परौंठी तला हुआ पकौड़े वगैरह खाने बंद कर दीजिए और जो दिल करता है खाइए, तो आपका वजन हर हाल में कम होगा। जय साईं राम।